हेलो एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू अपडेट्स एंड वीडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 15th लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस 3.9। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, इसमें हमें करना है प्रूव दैट साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस टू थीटा इक्वल टू 10। आप लोग क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे। आपको पता है जो भी फॉर्मूला आपको लगाना है लगा दीजिएगा। पहले हम देखो एक बार थोड़ी देर में, यहां से देखो साइन टू थीटा है, फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो सब एक बात पता है, अगर आप यहां फॉर्मूला देखो, याद रहे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल एक जैसा हो। जैसे ऊपर टू थीटा को मैंने थीटा में बना दिया, अगर मैं इस पर अप्लाई करूंगा तो थीटा बाई टू होगा। तो आप एक काम करिए, कोस टू थीटा को आगे इसको पेयर बदल लीजिए, कोस को इसमें आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड में यहां से वन प्लस कोस का फॉर्मूला टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखिए आप कॉमन ऊपर तो साइन आ रहा है, तो वन प्लस टू कोस थीटा, नीचे कॉमन क्या आ रहा है, कोस आ रहा है, तो क्या बच रहा है, वन प्लस कोस टू थीटा। बताओ इससे कैंसिल, टू है ये कोस थीटा है, तो यहां से आएगा टेन थीटा और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो इजिली आप लोग इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते। जैसे लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले सेकंड के अंदर, कोसिकेंट को लिख सकता हूं वन बाई साइन टू, कोसिकेंट टू ए को वन बाई साइन टू ए, क्लियर हुआ है। अभी आप लोग देखोगे कि एलसीएम इसका क्या रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है हमारे पास, मैं इसमें एक फॉर्मूला और अप्लाई कर देता हूं, वन बाई साइन ए प्लस वन अपॉन टू साइन टू ए का टू साइन ए कोस ए, क्लियर, टू साइन ए कोस ए है। तो यहां से हम लोग देखें इसका एलसीएम क्या आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है फोर साइन ए कोस ए। तो यहां से इसको इससे डिवाइड करें हम लोग, तो हमारे पास आता क्या है, ये डिवाइड करेंगे तो यहां से आएगा फोर कोस ए प्लस वन, फोर कोस ए प्लस वन। तो देखिए इसके बाद हम लोग इसमें क्या करें, देखिए यहां से हम देख अप्लाई करें तो देखो ये एक मिनट, ये टू ऊपर है भाई, की ऊपर रखो, टू से टू कैंसिल, इसका एलसीएम आ रहा है टू साइन, टू से टू कैंसिल हो गया, यहां से क्या आ रहा है टू साइन ए कोस ए, और मेरे पास इसमें देखें यहां से वन बाई साइन ए। तो आप लोग यहां से देख रहे हो एंगल का हाफ, टू साइन ए साइन ए हमारे पास, ये देखो एलसीएम, तो टू से टू कैंसिल, तो एलसीएम आ रहा है साइन ए कोस ए। तो आपको पता है कोस ए प्लस साइन, तो वन प्लस कोस का फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर एंगल का हाफ ए बाई टू, साइन ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू। आप मुझे बताइए, ये अलग से लिख दू, वन बाई कोस नीचे है, देखो टू से टू एक पावर कोस की कैंसिल, तो ये आ जाएगा कोट ए बाई टू, और ये वन बाई कोस होता है सीकेंट ए, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो इजिली हम सो कर सकते। इसमें देखो आप राइट हैंड साइड लेके चलिए, लेफ्ट अपने आप आ जाएगी, ये साइन 16 ए अपॉन 16 साइन ए। बताओ साइन 16 ए, तो साइन 2 ए का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है टू साइन एंगल का हाफ, 16 का हाफ 8 ए कोस 8 ए अपॉन 16 साइन ए, 8 से कैंसिल, साइन 8 का क्या होगा, देखो यहां से इसमें फिर देखिए यहां से साइन एट को फिर अप्लाई करें, साइन एट को फिर एंगल खोल दे, टू साइन एंगल का एट ए है, इसको लिख सकता हूं फोर ए कोस फोर ए और कोस एट ए एज इट इज डिवाइड में एट साइन ए। आप लोग देखिए फिर टू से फोर पे कैंसिल, तो साइन फोर ए आ गया, साइन फोर ए को क्या लिख सकता हूं, टू साइन टू ए कोस टू ए, ये एज इट इज कोस फोर ए साइन कोस एट ए डिवाइड में क्या है, फोर साइन ए। फिर यहां से टू पर कैंसिल, आगे और देखिए साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू, सिर्फ ओनली इस क्वेश्चन में सिर्फ आप साइन का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना, साइन क्या होता है एंगल का हाफ करके कोस के साथ एंगल हाफ लेते हैं, नीचे बच गया टू साइन ए, बताओ टू साइन ए से साइन ए, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, कोस ए कोस ए यही लेफ्ट हैंड साइड है। तो इजीली आप सोल्व कर सकते हो, देखो कोस ए कोस टू ए कोस फोर ए कोस ए।
यहां पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, सीकेंट एटे को लिख दिया 1 बाई कोस 8a माइनस 1, सीकेंट 4a को 1 बाई कोस 4a माइनस 1, एलसीएम क्या रहे कोस 8a, तो क्या बचेगा ये 1 माइनस कोस 8a, ये एलसीएम क्या रहे कोस 4a, तो 1 माइनस कोस 4a। आप लोग देखिए 1 माइनस कोस 4a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, क्लियर। यहां से कोस 8a एज इट इज, ये बताओ क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ अपॉन कोस 4a एज इट इज। इसमें आप लोग क्या कर दो, इसको एक बार सोल्व कर दीजिए, कोस 8a यहां से ये ऊपर चला जाएगा, ये कोस 4a ऊपर चला जाएगा कोस 4a, और ये नीचे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2a। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप लोग देखिएगा, मैं इसको और एक यहां से, मैं ये जो साइन स्क्वायर 4a है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं sin 4a into sin 4a, cos 4a एज इट इज, नीचे क्या है cos 8a sin स्क्वायर 2a, क्लियर। आप लोग देखिए, मैंने साइन स्क्वायर 4a को sin 4 into sin 4 लिखा है, साइन 4a का फॉर्मूला फिर क्या होगा, 2 sin 2a cos 2a, ये sin 4a cos 4a एज इट इज, ये cos 8a, मैं इसको लिख दू साइन स्क्वायर को sin 2a into sin 2a। आप देखिएगा यहां से, देखो sin 2a से sin 2a कैंसिल। अब आप लोग थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आप इसको निकाल लीजिए बाहर, ये क्या है आप बताइए, cos बाई साइन क्या होगा कोट, दिस इंप्लाइज ये तो हमारे पास क्या होने वाला है कोट होने वाला है, तो यहां से हम देखें दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा क्या होगा, यहां से कोट 2a, ये क्या बच गया 2 sin 4a cos 4a डिवाइड, यहां से है cos 8a। आप लोग आगे और देखिए, ये cot 2a, ये क्या हो जाएगा 2 sin a cos a, देखो फिर फॉर्मूला लग रहा है, अगर sin cos हो और 2 हो तो sin लिख देते हैं, एंगल का ट्वाइस 8a करते हैं, तो आप लोग देख लीजिए cos 8a, तो ये हो जाएगा, देखो ये cot है, तो कोट क्या होता है 1 बाई tan 2a होता है ये कोट, और साइन बाई कोस क्या होगा tan 8a, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो इजीली हम लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, तो आप लोग देखिए एक बार फिर दोबारा हम लोग इसको करवाते हैं, जो इसके अंदर जो क्वेश्चन है एक बार फिर दोबारा देख लीजिएगा। यहां से देखो, यहां देखो, यहां से साइन 4a को लिख दिया, तो सभी को समझ में आ गया था। अब देखो कोस बाई साइन 2a कोट 2a हो गया, अब 2 sin 4a cos 4a एक साथ, कोट 8a एक साथ लेंगे। अब आप देखिए 2 sin 4a cos 4a, साइन कोस और 2 हो तो साइन के साथ एंगल ट्वाइस, 4a का ट्वाइस 8a होगा, और साइन बाई कोस क्या होता है tan 8a, और ये कोट को लिख सकता हूं 1 बाई tan, तो tan 8a बाई tan 2a, यही राइट हैंड साइड है, तो यही हमारा क्या प्रूफ है। तो इजीली हम लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4, टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8/15, टेन 2x निकालना है। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में जो चीज है उसी को यूज करते हुए निकालेंगे, 2x है ना, क्या मैं इसको लिख दू tan x + x, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने क्या कर दिया इसमें y ऐड कर दिया, y सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना। तो आप लोग देखोगे तो 2x के तो इक्वल है, ये a है ये b है, तो tan a + tan b का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है tan a, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला tan a + tan b क्या होता है, यहां ऊपर लिख दोगे आप तो tan a + tan b 1 - tan a tan b, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो tan a के प्लेस पे क्या है x + y, प्लस b के प्लेस पर x - y, अपॉन 1 - tan x + y tan x - y, यही होगा। तो दिस इंप्लाइज tan 2x क्या होगा, tan x + y क्या है 3/4, x - y 18/15, 1 - 3/4 18/15, तो बताओ इसका एलसीएम क्या आ रहा है आपका 60 आ रहा है, तो इसको करेंगे तो हमारे पास 45 + 32,
नीचे भी एलसीएम कैंसिल मत करो, 60 ही आ रहा है, तो 60 माइनस 24 कैंसिल, तो इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 77, ये आएगा 36। तो यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, और यही हमारा सॉल्यूशन है। देखिए तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए, यहां से टेन अल्फा क्या हो जाएगा, 3/5, यहां से 3/5 है या 3/5 देखते हैं एक बार, 3/5 यहां पे 2 है, ये 2 है, तो 3/2 tan बीटा ये हो जाएगा। आपको पता है हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो राइट हमें प्रूफ क्या करना है, वी नो सबसे पहले फॉर्मूला tan अल्फा माइनस बीटा, ये किसका है, tan a प्लस बी का है बेटा, यहां से tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, क्लियर। tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये tan के फॉर्मूले प्रीवियस हमने जो लेक्चर करवाए उनमें करवाए हैं सारे फॉर्मूले, तो आप लोग देखिए हम लोग सब कुछ कन्वर्ट करेंगे sin cos में। पहले आप लोग tan बीटा में ये tan अल्फा की वैल्यू रख लीजिए, 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा, यहां से 1 प्लस 3/2 tan बीटा tan बीटा, यही हुआ। आप लोग देखिए दिस इंप्लाई सोल्व करें, 3/2 माइनस 1, 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 tan बीटा, और ये आएगा 1 प्लस 3/2 tan स्क्वायर बीटा। आप लोग साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, ये 1/2 तो है, यहां से tan बीटा को लिख दिया साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, नीचे से देखिए कैल्सियम आ रहा है, यहां से एक बार रख लीजिए आप 1 प्लस 3/2, यह आ जाएगा देखो tan स्क्वायर बिट्टा है तो क्या आएगा बताओ, साइन स्क्वायर बिट्टा अपॉन कोस स्क्वायर बिट्टा, तो आप लोग बताओ क्या आ गया, साइन बिट्टा अपॉन 2 कोस बिट्टा, एलसीएम क्या आ रहा है इसका, 2 कोस स्क्वायर बिट्टा, तो क्या बनेगा बताओ, 2 कोस स्क्वायर बिट्टा प्लस 3 साइन स्क्वायर बिट्टा, यही आएगा। अब आप लोग इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर दीजिए, यहां से आएगा साइन बिट्टा अपॉन 2 कोस बिट्टा, ये ऊपर चला जाएगा 2 कोस स्क्वायर बिट्टा, नीचे मेरे पास क्या रह जाएगा, 2 कोस स्क्वायर बिट्टा प्लस 3 साइन स्क्वायर बिट्टा, तो यहां से 2 से 2 कोस कैंसिल, कोस की एक पावर कैंसिल, या आप देखिए आप 2 कैंसिल मत करो क्योंकि अपने पास ऊपर यूज हो जाएगा 2, ये रहने दो, क्लियर। आप बताओ ऊपर क्या बन रहा है हमारा, ऊपर यही तो बन रहा है 2 साइन बिट्टा कोस बिट्टा, इसको देखिएगा यहां से अगर आप लोग देखते हो तो क्या आता है इसके अंदर, तो यहां से 2 कोस बिट्टा एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर बिट्टा प्लस 3 साइन स्क्वायर बिट्टा, लिख दिया 2 साइन स्क्वायर बिट्टा प्लस साइन स्क्वायर बिट्टा। आप लोगों को पता है आगे इसको सोल्व करें हम लोग तो ये साइन 2 बिट्टा हो गया, ऊपर तो 2 साइन बिट्टा कोस बिट्टा का, देखो साइन 2x का फॉर्मूला है तो साइन एंगल का ट्वाइस हो जाता है, नीचे क्या है 2 कोस बिट्टा, आप लोग देखिए यहां से 2 कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर बिट्टा प्लस साइन स्क्वायर बिट्टा प्लस साइन स्क्वायर बिट्टा। आप मुझे बताइए यहां से क्या आता है, साइन 2 बिट्टा, आपको पता है ये 1 हो जाएगा, ये तो 1 है तो 2 को 2 से किया 4 कोस बिट्टा, यही आया हमारा कोस 4 बिट्टा, और यहां से क्या आ रहा है ये प्लस साइन स्क्वायर बिट्टा 2 साइन स्क्वायर बिट्टा। अब देखो 2 साइन स्क्वायर बिट्टा का आपको एक फॉर्मूला याद है, यहां से देखिए 2 साइन स्क्वायर बिट्टा कहां है, 2 साइन स्क्वायर बिट्टा, देखो यहां से 2 साइन स्क्वायर बिट्टा किसका फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए वो फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला किसका है देखिए, साइन 2 बिट्टा अपॉन, अब यहां से एक बात और निकल के आती है, ये जो कोस बिट्टा, देखिए भाई यहां से हमारा एक कोस कैंसिल हो गया तो एक कोस हट गया, इसमें कोस था नहीं, आप लोग थोड़ा ढंग से देखिए, यहां से हमने थोड़ी गलती कर दी, 2 था ये कोस नहीं है तो यहां कोस नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही रहेगा। आपको पता है ये 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर बिट्टा, देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 बिट्टा, तो ये क्या होगा, साइन 2 बिट्टा अपॉन 5 माइनस
cos 2 बीटा और यही हमारी राइट हैंड साइड। तो इजीली आप लोग इनको सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 cos थीटा राइट साइड ही है। तो देखो जो हमारे पास ग्रेटर साइड है हम वो लेके चलेंगे ताकि हमारा आंसर इजीली आ जाए। तो देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं। अंडर रूट क्या है 2 प्लस अंडर रूट क्या है 2 प्लस अंडर रूट इसमें 2 कॉमन आ रहा है आप देखिए तो क्या बच रहा है 1 प्लस cos 8। आपको पता है इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस cos 8। तो 1 प्लस cos 8 देखो यहां से कौन सा है 1 प्लस cos का क्या होता है 2 cos के हाफ कर देते हैं 8 का क्या आएगा 4 थीटा। अब आप देखिए दिस इंप्लाइज क्या आएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस ये 4 है 4 का आएगा 2 cos स्क्वायर होता है स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल तो cos 4 थीटा आएगा। दिस इंप्लाइज आगे हम देखें यहां से 2 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन लिया 1 प्लस cos 4 थीटा। तो देखो यहां से 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू आप देखिए 1 प्लस cos 4 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर हाफ 4 का हाफ 2 आ जाएगा। अब आगे देखिए दिस इंप्लाइज अंडर रूट 2 प्लस आप देखिए यहां से 4 का अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट कैंसिल cos 2 थीटा। अब यहां से 2 कॉमन हमने लिया तो क्या बचता है 1 प्लस cos 2 थीटा। आप लोग बताइए 2 इंटू 1 प्लस cos क्या होता है 2 cos स्क्वायर 2 का हाफ थीटा तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 2 cos थीटा। तो ये कौन सी है लेफ्ट हैंड साइड और यही हमारा क्या है ऊपर प्रूफ है। तो इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन। आप देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी मेरा आ चुका है हमने पहले भी करवाया हुआ है याद है आपको पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 को ऐड करेंगे तो पाई होगा और 3 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8 को ऐड करेंगे तो होगा पाई। आपको पता है कोई दो एजिटीज रख लीजिए 1 प्लस कोस पाई बाई 8 1 प्लस कोस 3 जो ग्रेटर एंगल उनको चेंज कर लो। 1 प्लस cos है तो इस cos 5 पाई बाई 8 को लिख सकता हूं ये उधर राइट में जाएगा तो क्या होगा पाई माइनस 3 पाई बाई 8 क्लियर। इसी प्रकार 7 पाई बाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से पाई माइनस पाई बाई 8 क्लियर हुआ। अब आप लोग देखिएगा यहां से ये क्या होगा 1 प्लस cos पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8। आप लोग देखिए कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है 1 माइनस cos थीटा थीटा क्या है 3 पाई बाई 8 ये 1 माइनस cos पाई बाई 8। आप लोग देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो a प्लस बी a माइनस बी तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर क्लियर। और यहां से आप देखिए 1 a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर। आप मुझे बताइए इसको और सोल्व 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर पाई बाई 8 और ये भी sin स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब बात आती है इसको सोल्व कैसे करें। अब आप लोग देखो इसको सोल्व करने के लिए जो हमारा मेथड है उसमें हम किस टाइप से अप्लाई क्या करें कि हो जाए तो इसको करने के दो मेथड थे। वैसे तो आप लोग किस प्रकार से कर सकते थे इसको करने के लिए सीधा डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे। दूसरा एक मेथड और था इसको करने के लिए वो क्या था उसके अंदर हम लोग इसको अलग से दो दो का पेयर बना के करते थे बट अब यही कर रहे हैं तो हम यही अप्लाई करें। तो यहां से आप लोगों को एक बात और पता लग रही है वो कौन सी लग रही है आपको पता है पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 क्या होता है 3 पाई बाई 8 आप चीज ऐड करके देख लेना पहले करवाया हुआ है मैंने। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज यहां से लिख देते हैं दिस इंप्लाइज क्या आ रहा है हमारा साइन स्क्वेयर पाई बाई 8 ये क्या है साइन स्क्वेयर 3 पाई बाई 8 को लिख दो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। अब आप बताइए क्या आएगा साइन स्क्वेयर पाई बाई 8 पाई बाई 2 माइनस थीटा कोस स्क्वेयर पाई बाई 8। अब बताओ मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूं ये 1 बाई 4 तो एजिटीज आ गए इसको लिख सकता हूं 2 साइन पाई बाई 8 कोस पाई बाई 8। अब आप इसका होल स्क्वेयर आप बताइए किसका फॉर्मूला है देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा जब साइन कोस हो दोनों एंगल सेम हो ट्वाइस हो बार
तो साइन एंगल का ट्वाइस कर देते हैं पाई बाई एट का होल स्क्वायर, फोर से कट गया तो आप बताइए वन बाई फोर। अब बताओ यहां से साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर, तो वन बाई फोर इंटू वन बाई टू ये आ जाएगा वन बाई एट। तो इजीली आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इस टाइप से आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हो, सीधा फॉर्मूला बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टेन। तो आप लोगों के पास ये गिवन है, आपको क्या निकालना है ये आपको पता है। यहां से हम लोग देखें, यहां से हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होगा हाफ, इधर टू डिवाइड में आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब जो आपको करना है वो देखो, वी नो आप तो जानते हो कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला वो यही तो होता है कोस थ्री थीटा का, फोर कोस क्यूब थीटा, फोर कोस क्यूब थीटा मतलब वन थर्ड करते हैं थ्री कोस थीटा। अगर बाहर टू लेंगे तो इसके बाहर भी क्या जाएगा टू आ जाएगा, तो हम लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्लियर, क्योंकि आपने वो टू कोस थीटा निकालना है। तो यहां से दिस इंप्लाइज टू कोस थ्री थीटा टू फोर कोस क्यूब की वैल्यू बताओ क्या है, कोस की वैल्यू क्या है यहां से वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री कोस की वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब आप लोग आगे और देखिए, दिस इंप्लाइज आप बताइए इसमें फोर को करूंगा इसको टू से मल्टीप्लाई तो एट हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला जो क्या बनेगा वन बाई टू का क्यूब वन बाई एट, और ये एक्स का क्यूब क्या होता है आपको पता है एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्यूब होता क्या है, ये होता है एक्स क्यूब, ये बाहर मैं एट यहां से देखो एट ये लिख देता हूं एट, इसका क्यूब एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स इंटू वन बाई एक्स एक्स प्लस वन बाई एक्स, क्लियर। और आगे हम लोग ये टू को थ्री से करोगे तो ये सॉरी माइनस टू इंटू थ्री इंटू वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई एक्स है, इस टू को मैंने सभी से कर दिया। अब आप लोग देखिए दिस इंप्लाइज आपके पास ये एट से एट कैंसिल हो रहा है तो ये क्या बच गया एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स से एक्स कैंसिल ये क्या आएगा थ्री एक्स प्लस वन बाई एक्स, यहां से टू कैंसिल माइनस थ्री एक्स प्लस वन बाई एक्स, इससे ये क्या हुआ कैंसिल और हमारा क्या आया एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो इजिली आप लोग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं टेन ए, टेन सिक्सटी का टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला अभी अभी लिखाया था, क्या होता है टेन सिक्सटी टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी, क्लियर हुआ। सिक्सटी का ये क्या होगा टेन सिक्सटी प्लस टेन ए वन माइनस टेन सिक्सटी टेन ए, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, यहां से देखो इसमें और देखें टेन ए, आप मुझे बताओ ये यहां से ऊपर ये टेन सिक्सटी रूट थ्री माइनस टेन ए और ये वन प्लस रूट थ्री टेन ए, ऊपर देखो ये क्या है रूट थ्री प्लस टेन ए है, आपको पता है टेन सिक्सटी रूट थ्री होता है ये वन माइनस रूट थ्री टेन ए। आप लोग इसमें देखिए फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी तो रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टेन का स्क्वायर डिवाइड में क्या है वन का स्क्वायर माइनस रूट थ्री टेन ए का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज आप देखो टेन ए, अब टेन ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं रूट से रूट कैंसिल हो गया थ्री को टेन से किया थ्री टेन ए माइनस टेन स्क्वायर को टेन से किया टेन क्यूब ए, टेन ए को टेन स्क्वायर टेन क्यूब ए ये वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, बताइए फॉर्मूला किसका है टेन थ्री ए का, आपको इजीली पता है ये टेन थ्री ए का फॉर्मूला है और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो इसी प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और भी है इस प्रकार का, ये भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगर यहां से अपने को देते ये दे रखा है कोट ए कोट सिक्सटी माइनस ए कोट सिक्सटी प्लस ए इक्वल टू कोट थ्री ए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो यही तो आएगा
टैकोट 1/10, 1/10, 1/10 और ये 1/10। तो इजीली आप इसका रेसिप्रोकल करोगे ना, नीचे की साइड जो आएगी तो ये आएगी 1/10। जैसे टेन थ्री आया तो नीचे आएगा टेन थ्री, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये नीचे वाला जो सॉल्यूशन, नीचे जो इसका कंप्लीट हमने इसका सॉल्यूशन किया है, इसका सॉल्यूशन हमारा ये आ रहा है, तो नीचे है तो ये नीचे जाएगा। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी आप लोगों को आता है। देखो कोस स्क्वायर का फॉर्मूला, हमारे पास स्क्वायर का यही फॉर्मूला है। अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर ए निकालता हूं, आपको पता है यहां से मैं कोस स्क्वायर एक्स करता हूं तो वन ये आ जाएगा 1 cos 2x/2 आ जाएगा, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो वही है cos square को मैं क्या लिखूंगा 1 plus, याद रहे इसमें ट्वाइस है, x का क्या होगा 2x, तो 1 plus a का 2a/2। यहां से 1 plus ट्वाइस कर दो 2a + 120 का ट्वाइस 240/2, और यहां से 1 plus cos 2x 2a - 240/2 लेफ्ट हैंड साइड। आप लोग बताइए 1/2 में कंप्लीट में से कॉमन लूंगा तो यहां से आएगा क्या, ये आ जाएगा 1 plus cos 2a, 1 plus, देखो पहले मैं इसको साथ लिख देता हूं, ये है 1 plus cos 2a + 240, यहां से 1 है 1 plus cos 2a - 240। देखो थोड़ा सा हमारा टाइम कम लगे इसलिए मैं एक काम करता हूं, ये प्लस वन से यहां लिख लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, यहां वन हटा के यहां भी लिख सकते हैं। आप बताइए क्या बनाइए 1/2, इसको सोल्व करेंगे हम तो 1 1 1 ये आ जाएगा 3 plus cos 2a। आप इसका फॉर्मूला सीडी फॉर्मूला अप्लाई करो, ये क्या है कोस सी कोस डी, तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला आपको हमने लिखा है प्रीवियस में। इसमें क्या होता है cos c plus cos d हम लिख देते हैं 2 cos c + d/2 cos c - d/2, यही फॉर्मूला है हमारा। तो आप लोग क्या लिखोगे 2 cos 2a + 240 c + d 2a - 240/2, और ये cos 2a + 240 साइन चेंज करो -2a + 240/2, 2a से 2a कैंसिल, 240 से 240 कैंसिल। तो आप लोगों के पास आता क्या है, मैं इधर कर रहा हूं इसको सॉल्यूशन इसका आगे, तो आप लोग देखो आ क्या रहा है आपके पास, ये 1/2, ये 3 plus cos 2a + 2, cos ये क्या है देखो 2a 2a, 4a 4a को 2 से करेंगे तो 2a, और ये cos 240 240 480/2 करेंगे तो 240 आएगा। अब आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए 1/2 3 plus cos 2a + 2 cos 2a, cos 240 को मैं लिख सकता हूं cos 270 - 30। आपको पता है 1/2 ये 2 cos 2a 3 है 2 cos 2a, आपको पता है कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में नेगेटिव साइन 30। आप बताओ ये क्या आएगा 1/2 3 plus cos 2a 2 cos 2a, cos 30 होता है -1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आया 1/2 3 plus cos 2a - cos 2a, इससे ये कैंसिल, तो मेरा आंसर क्या आ गया 3/2, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो इजीली हम लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप नेक्स्ट देखिए साइन 4θ को इसमें लिखना है। आप लोगों को पता है जो फॉर्मूला हो ना, आप लोग लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चलिए, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, ये प्रूफ करना है साइन 4θ, तो साइन 4θ को लिख सकता हूं। देखो आपको एंगल 4 से थिट्टा में कन्वर्ट करना है, सभी में थिट्टा है, तो आपको साइन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो ये रहा साइन 2x का 2 sin cos x, तो 2 sin 2θ cos 2θ। आगे आप लोग और देखिएगा कि आप लोगों को फिर थिट्टा में लाना है तो फिर आप अगेन अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, आसानी से आ जाएगा 2 sin 2θ हो क्या होगा 2 sin θ cos θ। अब देखो cos 2θ के हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है क्या, वो ये है cos²θ - sin²θ। देखो ये रहा फर्स्ट फॉर्मूला, तो अब मल्टीप्लाई करते आंसर ही आएगा, इसको इससे करो sin θ cos³θ - 4 sin³θ cos θ, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते। अब देखो
साइन फाइव का अगर हम हाफ का एंगल का है और आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा फाइव थीटा बाई टू, बाई टू तो किसी में है ही नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। कोस फाइव थीटा है, मैंने कोस थीटा ऐड कर दिया, कोस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, सीधी फॉर्मूला लगा दो, कोस सी प्लस कोस डी, पता है अभी अभी बताया था, टू कोस सी प्लस डी बाई टू, कोस सी माइनस डी बाई टू माइनस कोस थीटा, आप बताइए टू कोस ये आ जाएगा थ्री थीटा, सिक्स थीटा बाई टू थ्री थीटा, यह आएगा कोस टू थीटा, ये भी कोस थीटा, आप लोग बताइए कोस, अब आप देखो फॉर्मूला अपने को आंसर थीटा में लाना है, तो थीटा में लाने का फॉर्मूला आपके पास पता है, कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, सिर्फ देखिए ये फॉर्मूला, अब आपको आंसर कोस में ही चाहिए पूरा, तो देखो कोस टू थीटा का कोस में है टू कोस स्क्वायर माइनस वन, तो इसको लिख दिया टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस कोस थीटा, अब जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इसको वो खुद करके देखना है हमारा आंसर ही आएगा, इस कंप्लीट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट हमारा आंसर ही निकल के आएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें हम लोग इसके अंदर, क्योंकि जो ये आंसर है इसको सोल्व करते ही अपने आप इजिली आ जाएगा।